गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेज ऑर्गेनाइज बाई दी RRB कॉन्वेंट स्कूल. माई नेम इज़ प्रगति द्विवेदी एंड आई एम हियर टू टेक यू इंग्लिश क्लासेज. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग. सो दिस इज द चैप्टर अबाउट एन इन्वेंशन. सो वील रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिफोर रीडिंग द चैप्टर लेट्स गेट थ्रू दी introduction, that what is given in this chapter, and the chapter is about whom or about what thing. Okay, so who are the oldest people you know? Here an activity is given for you that aap sabse zyada oldest person means who are the oldest people you know. Aap kitne zyada old logon ko jante hain, means boodhe logon ko jante hain, wo kaun kaun hain. What are the oldest things you have aapke paas ghar mein, या आपके सिटी में, टाउन में, विलेज में, गांव में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी, ओल्डेस्ट मींस बहुत पुरानी, एंड हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी हैं. ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी हैं. हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर. क्या आपने कभी विश किया कि काश आप भी बूढ़े होते. हैव यू एवर विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी. या आपने कभी ऐसा चाहा कि आप बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं. ओके, सो द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग. वीटा वॉन्ग का एक इन्वेंशन है जिसके बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. मिस्टर विली वॉन्ग बिगिंस बाई इन्वेंटिंग वोंका वाइट. जो मिस्टर विली वॉन्ग हैं, उन्होंने पहले एक लिक्विड बनाया था जिसका नाम क्या था, वोंका वाइट. ओके, इन्होंने ये जो वीटा वॉन्ग एंड वोंका वीटा, ये दोनों चीज़ें इन्होंने दी हैं, ये अपने नेम पे दिए हैं. इस इन्वेंशन का नाम इन्होंने अपने नाम पे रखा है. सो फर्स्टली ही हैड इन्वेंटेड वोंका वाइट. ओके, विच मेक्स पीपल यंगर. जिससे क्या होता है, जो लोग हैं वो यंगर दिखते हैं, मीन्स जो ओल्ड पीपल हैं वो जवान हो जाते हैं, दे बिकेम यंगर. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रांग. लेकिन जो वोंका वाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सम पीपल डिसअपीयर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. कुछ लोग, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग क्या होते हैं, वो माइनस में चले जाते हैं, मीन्स डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी एज है वो कम है और जो वीटा वॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो एज की वजह से कुछ लोग किस में पहुँच जाते हैं, माइनस में, मीन्स वो डिसअपियर हो जाते हैं. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87 वेन, मीन्स ही गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. सो एक इंसिडेंट हुआ कि एक पर्सन एक्चुअली क्या हुआ कि वो 87 से सीधा माइनस में आ गया, मीन्स 87 ईयर्स का वो था, और वीटा वोंका वीटा लेने के बाद उनका क्या हुआ कि वो डायरेक्टली किस एज में आ गए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था वो कि वो माइनस में आ गया, मीन्स डिसअपियर हो गया, और उन्हें फिर से वापस से दिखने के लिए, अपियर होने के लिए 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा जिससे कि वो वापस से आ सकें. इसलिए अब मिस्टर विली वोंग का जो है वो कुछ नया इन्वेंट करने की, कुछ नई चीज़ इन्वेंट करने की सोच रहे हैं. मिस्टर वोंग का सेट, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर oldest, ha ha ha. I cried, for the now ideas were beginning to come. What is the oldest thing living in the world? What lives longer than anything else? So Mr. Wong कहते हैं that so once again, फिर से मैं एक बार अपनी sleeves means जो हाथ, जो shirt या जो भी उन्होंने पहन रखा है उसकी जो आस्तीन में जो क्लोथ होता है उसे रोल अप करते हैं, मीन्स रोल करते हैं अपनी स्लीव्स को, एंड फिर से वो काम पे लग जाते हैं. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन, मैं फिर से एक बार अपने ब्रेन को स्क्वीज मीन्स निचोड़ना, मीन्स दिमाग को एकदम जोर दे के उसमें जो भी आइडियाज़ हैं उन सबको निचोड़ के निकाल के एक नया इन्वेंशन, एक नई रेसिपी की खोज कर रहा हूँ. आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज बनानी है जिसमें कि जो लोग हैं वो बूढ़े हो सके, मीन्स जो जवान लोग हैं वो बूढ़े और ज़्यादा ओल्डर, मीन्स वो जितना ओल्डर होना चाहे उतना ओल्डर हो सके. और फिर वो हंसते हैं और कहते हैं नाउ द आइडियाज़ वर
बिगनिंग टू कम। अब मुझे आइडियाज़ आने लगे हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या थिंग्स चाहिए होंगी। और फिर वो पूछते हैं व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट थिंग, सबसे पुरानी, जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज़ें जिंदा हैं अभी, मीन्स जीवित हैं अभी, वो सारी चीज़ें कौन सी हैं। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ऐसी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा टाइम तक जीवित रहती है, मींस जिंदा रहती है। सेट टू वर्क मींस बिगन टू वर्क, एंड रेसिपी मींस इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग। ओके, सो अ ट्री, चार्ली, उनके साथ एक कोवर्कर है जिनका नाम चार्ली है, वो बताते हैं कि अ ट्री, ट्री ऐसा चीज़ है जो कि बहुत टाइम तक क्या रहता है, जीवित रहता है। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, नॉट द डॉलस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सिदार, नो नो माय बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलोकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। दिस इज फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज, सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो जब चार्ली बताते हैं उन्हें कि जो ट्री है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थिंग है जो कि बहुत टाइम से ज़िंदा रहती और बहुत टाइम तक ज़िंदा रहती हुई आई है, बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री, उसके बाद जो मिस्टर वोंग का वो कहते हैं यस ट्री इज़ द राइट थिंग, बट किस तरीके की ट्री, हम डॉलक्स ट्री, फिर ट्री या ओक ट्री या सेडार की जो ट्री है, ये सारी ट्रीज तो हम ले नहीं सकते हैं। नो नो माय बॉय, इट इज़ अ ट्री, ये एक ऐसी ट्री है जिसे हम पाइन ट्री कहते हैं, ब्रिसल कौन पाइन ट्री है, जो कि कहाँ पे मिलती है, व्हीलर पीक्स, यूएसए की जो व्हीलर पीक्स हैं उनके स्लोप्स पे ये ट्रीज पाई जाती हैं। हेयर आर गिवन दी इमेजेस ऑफ मैनी ट्रीज, फिर अ ट्री विथ नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स is known as fir tree, oak tree, a family of large trees with a hard wood, the chinar in Kashmir is a kind of oak tree, okay, cedar, an evergreen tree with hard red sweet smelling wood used to make boxes, pencils, fences, etc. okay, next one is the pine tree, an evergreen tree with needle shaped leaves and cones. And flea is a small insect living on the skin of animals for their blood. Flea एक तरीके का इंसेक्ट है जो कि एनिमल्स की स्किन पर रहता है फॉर देअर ब्लड, उनके ब्लड को सक करने के लिए. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अ इंसेक्ट नेम फ्लिया इज गिवन ओवर हेयर. सो नाउ वॉट द मिस्टर वोंग सेज दैट You can find bristlecone pines on Wheeler Peaks today that are over 4000 years old. और ये जो pine trees हैं, bristlecone pine trees, ये 4000 साल पुरानी trees हैं, ठीक है? That is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. और फिर वो कहते हैं कि किसी chronologist को, जिससे जो आपको पसंद हो, उनसे बात करिए और वर्ल्ड डिक्शनरी में ढूंढिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और फिर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ, मैं ग्लास एलिवेटर से जंप करता हूँ और पूरे वर्ल्ड में ढूंढते हुए वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है. अ पिंट ऑफ सैप, सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टलकोन पाइन, सैप मीन्स एक लिक्विड होता है जो कि वो किससे लेते हैं, पिंट ऑफ स्लैप मीन्स लिक्विड की कुछ बूंदे लेते हैं 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री से. द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच जॉर्जोविच. ओके, तो जो एक फार्मर हैं, जो कहाँ के फार्मर हैं, रशियन फार्मर हैं, उनके पैर के अंगूठे के क्या लेते हैं, क्लिपिंग, टो नेल मीन्स पैर के पंजे के जो थंब है उसका एक नाखून लेते हैं जो कि 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर का है. एंड एग लेड बाई अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा. ओके, और एक टॉर्टोइज है जो कि 200 साल पुराना है, उसका
एग लेते हैं, मीन्स अंडा लेते हैं। डिटेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया का 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स है, उसकी टेल। द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, 36-year-old कैट है, उसका विस्कर्स लेते हैं, फर लेते हैं। एंड ओल्ड फ्लिया, फ्लिया आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ दैट इट्स अ इंसेक्ट जो कि 36 साल पुराना है, 36 ईयर्स ओल्ड है। द टेल ऑफ 207-year-old जाइंट रैट फ्रॉम टिबेट, द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमैकलिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटेपल, the nickel bones of a 700-year-old cataloo from Peru. Okay, so these are the things author has been collected for making the recipe he wanted to make for the people, so that people they may become older. ठीक, means लोग बूढ़े हो सकें, इसके लिए उन्हें एक recipe बनानी थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में जगह जगह जाके और वहाँ की जो सबसे पुरानी चीज़ें थी और वो अभी तक अलाइव थी, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया। एंड दीज वर द लिस्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स दैट ही हैज़ कलेक्टेड, क्या कहते हैं, सैप फ्रॉम ब्रिसनकोन पाइन ट्री, रशियन फार्मर का उन्होंने टो लिया, टॉर्टोइस का एग लिया, हॉर्स की टेल ली, रैट की टेल ली, फ्लिया इंसेक्ट को लिया, ब्लैक टीथ लिया, एंड मैनी अदर थिंग्स, बोन्स लिए पेरू के कैटलू की। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की। आफ्टर कलेक्टिंग दीज ऑल थिंग्स, सेकेंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी कम्स वेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, a hair or an eyebrow or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the skerok, the polyfrog, the giant curassow, the sting slug, the venomous squirrel who can spit poison right into your eye from 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now. Charlie, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one teeny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Ompa Lompa volunteer to see what happened. Okay. सो हेयर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मिस्टर वोंका हैं वो चार्ली से बताते हैं कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में हर जगह मैं गया और मैंने हर एक छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी चीज़ों को जज किया और उनमें से जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगी कि हाँ ये बहुत ज़रूरी हैं और ये वर्क करेंगी, मैंने वहाँ से चाहे मैंने पिंच भर ही लिया हो या एक बाल के बराबर या तो एक बूंद ही, बट मैंने हर चीज़ें कलेक्ट की और फिर वहाँ से अभी जो लिस्ट बताई उन्होंने वो सारी चीज़ें तो ली ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ली। और उन्होंने किसे किसे ट्रैक किया, उन्होंने ये भी बात बताई कि मैंने किसी, कोई एनिमल सो रहा था तो उसके पंजे में से जैम निकाला, कोई किसी लिक्विड को उसके सोते हुए से, ऐसे फ्रॉग या ऐसे स्क्विरल वगैरह हैं जो कि क्या करते हैं, एक 500 मीटर दूर से ही वो अपना क्या कर सकते हैं, जो 550 यार्ड से के दूरी से ही वो पॉइजन फैला सकते हैं, मीन्स जहर अपना दे सकते हैं। बट मिस्टर वोंक ने उनसे भी जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, जो इम्पोर्टेंट लगी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ट्रैक डाउन की। और वो चार्ली को बताते हैं कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब बारे में बात कर सकूं, बट हाँ मैंने बहुत मेहनत की है इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में और मुझे दुनिया के हर कोने में इन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए जाना पड़ा है। ओके, एंड देन वो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता सकूं या इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकूं। चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, मीन्स वो अपने लैब में जाते हैं और उन्होंने सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं, बबल्स आते हैं उसमें से, फिर मिक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं और एट लास्ट अपने इन्वेंटिंग रूम से वो एक
कप फुल ऑफ मीन्स एक कप भर के ऑयली ब्लैक लिक्विड लेके बाहर आते मीन्स एक ब्लैक ऑयली लिक्विड का इन्वेंशन करते हैं एंड गिव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर. एक वॉलंटियर है उनके इन्वेंटिंग रूम में या जो उनका ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ पे उसको 4 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड देते हैं ये देखने के लिए कि नेक्स्ट क्या होता है, मीन्स क्या रिजल्ट मिलता है इसका. व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड. चार्ली पूछते हैं फिर कि क्या हुआ. इट वॉज फैंटेस्टिक, क्राइड मिस्टर वॉन्ग. मिस्टर वॉन्ग चिल्ला के बोलते हैं कि ये जो इन्वेंशन था वो फैंटेस्टिक था. द मोमेंट ही सॉलोड इट ही बिगैन ब्रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75 एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वॉन्ग इन्वेंटेड. ओके सो हियर व्हाट ही सेज मिस्टर वॉन्ग का, वो जब चार्ली पूछते हैं कि फिर क्या हुआ जब आपने 4 ड्रॉप्स जो 20 ईयर ओल्ड जो लोम्पा ओम्पा था उनको दिया आपने वॉलेंटियर को, तो कैसा रिएक्शन हुआ, क्या रिजल्ट मिला उसका. तो मिस्टर वोंका कहते हैं इट वाज फैंटास्टिक, जैसे ही उस वो जो वॉलेंटियर था उसने सिप किया ये 4 ड्रॉप्स, सिप ही किया वो तुरंत ही शिवर करने लगा और ब्रिंकलिंग मीन्स उसकी बॉडी जो स्किन थी वो सिकुड़ने लगी और वो शिवर करने लगा अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर्स स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्ड, मीन्स उसके बाल झड़ने लगे, दांत झड़ने लगे और मैं इसके पहले कि कुछ जान पाता वो सडनली कितना 75 ईयर ओल्ड मैन में बदल गया, मीन्स ओल्ड पर्सन में बदल गया. मीन्स 20 ईयर ओल्ड पर्सन से 4 ड्रॉप्स ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड जो मिस्टर वोंका ने इन्वेंट किया था उसे लेने से कितने का साल का बन गया, 75 ईयर्स का. एंड दस माई डियर चार्ली, और फिर मिस्टर वोंग का कहते हैं इस तरीके से मेरा जो वीटा वोंग था वो बना और इसका इन्वेंशन ऐसे ऑन दस द वीटा वोंग इन्वेंटेड, इस तरीके से वीटा वोंग का इन्वेंशन हुआ. ओके सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, जो वीटा वोंग नाम का लिक्विड है ऑयली ब्लैक लिक्विड उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे मिस्टर वोंका ने एक 20 ईयर ओल्ड पर्सन को 75 ईयर ओल्ड पर्सन में कन्वर्ट कर लिया. सो हियर द स्टोरी कम्स टू एन एंड. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ द वीटा वोंग वॉज इन्वेंटेड. नाउ वील गो थ्रू द असाइनमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड गो थ्रू दिस स्टोरी ऑल ऑफ यू एंड ट्राई टू understand the invention how the Vita Wonk is invented. So this is the story taken from the Charlie and the Great Glass Elevator. So I am stopping this over here only. Till then, thank you all of you.